राघव और विकास एक दूसरे के बगल वाले कमरे में ही रहते थे। एक दिन की बात है, जैसे ही विकास राघव के रूम में जाता है तो जोरों से चिल्लाता है। राघव नीचे गिरा हुआ था। विकास उसके पास जाके देखता है तो वो मर चुका था। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल लगा देता है। मेहुल वहाँ पहुँच जाता है और राघव की बॉडी को देखता है तो समझ जाता है कि राघव की मौत आज नहीं बल्कि कल रात हो चुकी थी। तो क्या आप राघव की बॉडी को देखकर बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि मौत कल ही हो गई थी? सोचिए सोचिए। राघव ने बाएं हाथ में स्मार्ट वॉच पहन रखी है और ये स्मार्ट वॉच घड़ी हमारी नब्ज की धड़कन से चलती है। मतलब जैसे इंसान की मृत्यु होती है ये घड़ी रुक जाती है और घड़ी पर टाइम 10:30 PM है। मतलब राघव की मौत 10:30 को हो गई थी। मेहुल विकास से पूछता है, तुमने इसे कैसे देखा? मैं राघव के बगल वाले रूम में रहता हूँ और जब सुबह मैंने राघव का दरवाजा खोला तो राघव नीचे पड़ा हुआ था और ये घड़ी कल ही मैंने राघव को गिफ्ट की थी। मेहुल विकास पर शक तो करता है पर उसकी बात मान लेता है। मेहुल सारे कमरे को अच्छी तरह से देखता है और वहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स ले लेता है पर उसे कमरे में कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं मिलता। फिर मेहुल राघव का पर्स चेक करता है जहाँ मेहुल को राघव का आईडी कार्ड मिलता है। उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ये केस सॉल्व कैसे होगा? आखिर पता कैसे चलेगा कि राघव मरा कैसे, क्योंकि उसकी बॉडी पर तो कोई निशान भी नहीं है। मेहुल डेड बॉडी को डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है जहां डॉक्टर कहती है, राघव की मौत जहर देने से हुई है। उसके कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चल सके कि उसने जहर खाया है या किसी ने खिलाया है। तभी डॉक्टर संजना एक हैरान कर देने वाली बात कहती है, राघव ने जो स्मार्ट वॉच पहन रखी थी उसके नीचे एक सुई थी जिससे जहर राघव की नब्ज में जाता रहा और उसकी मौत हो गई। इंटरेस्टिंग, यानी कि मर्डर घड़ी से किया गया है। इसके तुरंत बाद मेहुल फिर से राघव के कमरे की तलाशी लेता है। इस बार उसे वहाँ एक डिब्बा और कुछ कार्टून के टुकड़े मिलते हैं जो ऑनलाइन कंपनी से शॉपिंग किए हुए प्रोडक्ट के पैकेट थे। मेहुल तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के इंडिया के कस्टमर केयर पर कॉल करता है। क्या आप रूम को देखकर बता सकते हैं मेहुल ने अमेज़न को ही क्यों कॉल किया? सोचिए सोचिए। क्योंकि उस डब्बे पे अमेज़न लिखा हुआ था और ये पार्सल अमेज़न का है। मेहुल कॉल पर उस पार्सल की डिटेल्स बताते हुए पूछता है कि ये पार्सल किसने और कब मंगवाया था। तो वो बताते हैं कि पार्सल विकास ने बुक किया था। और अमेज़न वाले एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि विकास ने ऐसे 4 पार्सल एक साथ बुक किए थे। मेहुल तुरंत विकास के पास जाता है पर विकास ने अपने कमरे के दरवाजे को एक क्वेश्चन से लॉक किया हुआ था और क्वेश्चन था, मेरे सबसे अच्छे दोस्त राघव का बर्थ ईयर कौन सा है? मेहुल तुरंत टाइप कर देता है 2000 और दरवाजा खुल जाता है। अब यहाँ सवाल ये था कि मेहुल को कैसे समझ गया और मेहुल को कैसे पता है कि राघव का बतियर कौन सा था? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल को राहुल की बॉडी के पास जो आईडी कार्ड मिला था उसी में मेहुल ने उसका बतियर देख लिया होगा। मेहुल विकास के कमरे में जाता है तो अंदर जाके दंग रह जाता है। विकास भी नीचे पड़ा हुआ था और उसकी भी मौत हो चुकी थी। वो तुरंत चेक करता है तो देखता है कि बिल्कुल सेम घड़ी विकास ने पहनी हुई थी। मेहुल इतना तो समझ जाता है कि विकास ने घड़ी मंगवाई जरूर थी पर वो कातिल नहीं है, खूनी कोई और ही है। मेहुल विकास का मोबाइल लेता है और सारा डेटा देखता है तो वहाँ उसे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का ऐप दिखता है। मेहुल अमेज़न एप्लीकेशन को देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि 2 दिन पहले ही विकास ने ऐसी 4 स्मार्ट वॉच ऑनलाइन मंगवाई थी। अब मेहुल को पक्का यकीन हो जाता है कि विकास का इस साजिश से कोई लेना देना नहीं है बल्कि खूनी कोई और ही है। तो क्या आप समझ के लॉजिकल आर्मी मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि विकास इस साजिश में मिला हुआ नहीं है? सोचिए सोचिए। मेहुल को याद आता है कि राघव के मदर के वक्त उसने विकास से पूछताछ की थी तो विकास ने बताया था कि ये घड़ी उसी ने राघव को गिफ्ट की थी। अगर वह इसी घड़ी से राघव को मारता तो कभी नहीं बताता कि उसने राघव को घड़ी गिफ्ट की थी। फिर मेहुल विकास की गैलरी में देखता है तो वहाँ उसे कुछ फैमिली फोटोज मिलते हैं। उसके बाद मेहुल को एक फोटो और मिलता है जिसमें अक्षय नाम का आदमी राघव और विकास के साथ खड़ा था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये अक्षय राघव और विकास का अच्छा दोस्त है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। फोटो में अक्षय राघव और विकास तीनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर खड़े हैं और विकास बीच में खड़ा है और मेहुल ने उनकी फैमिली फोटोज भी देखी थी और उसमें अक्षय नहीं दिखा था। मतलब पक्का अक्षय उनका दोस्त ही होगा। मेहुल तुरंत अक्षय के पास पहुंच जाता है। उस समय अक्षय शराब पी रहा था। मेहुल उसे पूरी घटना बताकर उसके हाथ से वो घड़ी निकाल लेता है और अक्षय को तुरंत चेकअप के लिए अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं,
आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं, अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो इसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता था। एक दो घंटे बाद अक्षय बिल्कुल सही होकर घर आ जाता है और मेहुल उसके साथ रहता है। घर आके अक्षय मेहुल से कहता है, सर मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है। मेहुल उसे पूरा मामला समझाता है, ये स्मार्ट वॉच तुम्हारे पास कहाँ से आई। ये घड़ी हम तीनों को विकास ने दी थी खरीद कर, और जरूर ये सब राज ने किया होगा, उसी ने सभी के घर ये घड़ी पहुँचाई थी। ये राज कौन है। राज हमारा दोस्त है और वो टेक्निकल एक्सपर्ट भी है, तो वही ये सब कुछ कर सकता है। मेहुल अपनी कार से राज के घर पहुंच जाता है। मेहुल घर के अंदर जाता है, वहाँ उसे राज की गर्लफ्रेंड मिलती है। मेहुल उसे सारी घटना बताता है और कहता है, ये सब राज ने किया है, मुझे बताओ वो कहाँ है। तब राज की गर्लफ्रेंड कहती है, वो ऐसा नहीं कर सकता, राज अक्सर राघव और विकास की बातें मुझसे शेयर करता था, पर हाँ अक्षय इन तीनों से थोड़ा अलग है, वो कभी कभी राघव और विकास से लड़ भी जाता था। इंटरेस्टिंग, ये केस तो बहुत सीरियस हो गया है। राज की गर्लफ्रेंड मेहुल को राज के ऑफिस का पता देती है। प्लीज मेरे बारे में किसी से कुछ शेयर मत करना, मैं यहाँ छुप कर रह रही हूँ। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सर आपका दिमाग इतना तेज कैसे चलता है। क्योंकि मैं डिटेक्टिव आईक्यू गेम से अपने आईक्यू को इम्प्रूव करता हूँ। आप भी जल्दी से डिटेक्टिव आईक्यू गेम डाउनलोड कर लीजिए, मैंने 500 लेवल्स उसमें आपके लिए डिजाइन किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। इसके बाद मेहुल अपनी गाड़ी से राज के ऑफिस पहुंचता है, पर राज के ऑफिस का मेन दरवाजा टेक्नोलॉजी से खुलता है। 1+4=5, 2+5=12, 3+6=21, तो 8+11 क्या होगा। तो क्या आप इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, उसी से ये दरवाजा खुलेगा। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इसका आंसर है 96। 1+4 एक्चुअल में है 1×4+1, मतलब पहला नंबर तो हो जाएगा 5, 2×5 होगा 10, प्लस 2 हो जाएगा 12, 6×3 होगा 18, प्लस 3 हो जाएगा 21, तो कोड के लिए 8×11 88, प्लस 8 हो जाएगा 96। मेहुल 96 प्रेस करता है और अंदर पहुंच जाता है। मेहुल को अंदर देख राज एकदम चौंक जाता है और मेहुल से कहता है, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और तुम्हारे दोस्त राघव और विकास का मर्डर हो चुका है। और फिर मेहुल राज के हाथ में घड़ी देखता है, वो घड़ी भी बाकी तीनों घड़ी जैसी थी। मेहुल तुरंत घड़ी चेक करता है, कहीं इसमें भी तो जहरीली सुई नहीं, पर राज की घड़ी में कोई सुई नहीं होती। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जरूर राज ने ही बाकी तीनों घड़ियों से छेड़छाड़ की होगी और खुद की घड़ी में कुछ नहीं किया, और उसे पकड़ लेता है। पर राज कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये सब अक्षय की चाल है, वो बहुत नशा करता है और 2 दिन पहले अक्षय का राघव और विकास के साथ झगड़ा हुआ था, वो मुझे फंसा रहा है। मेहुल को याद आता है कि जब ये हुआ था तो वो अक्षय के पास गया था और अक्षय शराब पी रहा था, इसलिए उसे राज की बातों में थोड़ी सच्चाई लगती है। और फिर वो तुरंत उस डिलीवरी बॉय को कॉल करता है जिसने घड़ी की डिलीवरी की थी। तो डिलीवरी बॉय कहता है, मैं पार्सल विकास सर को देने गया था, पर विकास से पहले उनके दोस्त अक्षय ने ये पार्सल ले लिया और मुझसे कहा कि मुझे विकास ने ही पार्सल लेने भेजा है। मेहुल तुरंत सारा खेल समझ जाता है और अक्षय को पकड़ लेता है। अक्षय रोते हुए बताता है, विकास व राघव ने 2 दिन पहले मुझे शराब पीने के कारण सबके सामने डांटा और मुझे जलील किया, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। तो मेहुल उससे पूछता है, तुमने अपनी घड़ी में जहरीली सुई लगाकर अपनी जान खतरे में क्यों डाली। मैंने सीसीटीवी कैमरे में आपको देख लिया था, इसलिए जैसे ही आप मेरे पास आए मैंने उस घड़ी को पहन लिया ताकि मुझ पर कोई शक न करे। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। आप भी मेहुल जैसा बन सकते हैं डिटेक्टिव आईक्यू गेम खेल के।